मैं एक बड़ी बात कह करके इस कार्यक्रम को हम पूर्णता की तरफ ले चलेंगे। एक बार की बात है कि दशरथ जी अपने मामा के यहाँ थे, भरत जी अपने मामा के यहाँ थे और राम जी को वनवास हो रहा था। तो लोगों में चर्चा हो रही थी अयोध्या नगरी में कि लगता है कि कैकेयी माता ने भरत जी ने मिलकर के उनको वनवास दे रहे हैं कि थोड़ा राजपाट भरत जी को ही मिल जाए। तो भरत जी को सूचना मिली, दौड़े दौड़े आए और आए तो देख रहे कि चारों तरफ ऐसे ऐसे कानाफूसी लोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है, लेकिन आप लोग ऐसा लग रहा है तो मुझे वो पाप लगे यदि मैं ऐसा काम किया होगा तो मुझे वो पाप लगे जो ब्रह्म बेला में सोने वालों को लगता है या गोधूली बेला में सोने वालों को लगता है। ब्रह्म बेला मतलब होता है 4:15 बजे से लेकर के लगभग और 4:30 बजे 4:45 बजे तक। इस पीरियड में जो आदमी सोता है दुनिया में कितनों बड़ा कुकर्म करिए और ब्रह्म बेला में सोए रहिए, वो कुकर्म छोटा पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा और ये कुकर्म आपका बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये इसे कुकर्म माना गया है। इस बेला में सोने वाले को ब्रह्म बेला में आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि हम उस पीरियड में सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कुछ तो मजबूरी में पाप ले रहे हैं, रात में ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह में सो रहे हैं, वो तो पाप लग ही रहा, मजबूरी हो रहा है, उसका जीवन गति ऐसा ही हो गया, जीवन शैली। अब करे क्या, कोई सेना के जवान है या कोई कोई अलग से ड्यूटी कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, तो परेशानी तो होती है उन लोगों की, कोई तनाव के। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह सोए तो 8 बजे सो रहा है, उसको माथा में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तनाव फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है। इसलिए आजकल सेना के जवानों को भी योग सिखाया जा रहा है वही फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए। आजकल तो बैंकिंग क्षेत्र में या अलग अलग जो दिमाग से काम करने वाले या शरीर से काम करने वाले सेक्टर्स हैं उसमें भी योग सत्र चलाया जा रहा है ताकि लोग कम से कम तनाव में ना रहें और अपने जीवन को ठीक ठाक से जी सकें। तो आपसे कल से निवेदन है कि 4 बजे आप लोग जग जाएं अपने मन से और पानी पीकर शौच आदि से निवृत्त होकर के 4:30 से 5:30 बजे तक 1 घंटा योग प्राणायाम करिए और चाचा जी उतने के लिए काफी है सिखाने के लिए आपको, हमको कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और 1 घंटा 4:30 से 5:30 बजे करके और मस्त हो जाइए, आपका समय बच जाएगा। इसलिए कि 5:30 बजे तो जगवे करते होंगे आप लोग, नहीं तो जगने वाले समय के पहले आपका काम हो गया, आपका डिस्टर्ब भी नहीं होगा कोई काम। इसलिए आज से रूटीन बनाइए और ऐसा अभ्यास करके आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए मैं इस कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ में विराम करेंगे। आंखें बंद करिए, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, 3 बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति शांति करेंगे। ओ।